मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाते हुए नजर आए कांग्रेस के लीडर्स, आप देख सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को ये पोस्टर जो है लगाने नहीं दिए जा रहे हैं। डीसी ऑफिस के बाहर अधिकारियों ने इन पोस्टर्स को फाड़ दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से हटाने की कोशिश, आप देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेसी आज मोदी हटाओ देश बचाओ के बैनर्स लेकर जो है डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते हुए जरूर नजर आ रही हैं और हर एक जगह पर पोस्टर्स लगाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्याओं के अंदर कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्याओं के अंदर ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ अपनी आज गिरफ्तारी भी देंगे। डीसी ऑफिस के बाहर से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है और साथ ही साथ इन लोगों को भी यहाँ से ले जाया जा रहा है। जी हाँ, बस यहाँ पर तैयार खड़ी है, इन लोगों को हिरासत में लिया जाएगा। आप सीधी सीधी तौर पर देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम बड़े और छोटे लीडर कार्यकर्ता भी सम्मिलित हैं इस प्रोग्राम के अंदर और इस प्रदर्शन में जो है सभी को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के लोग भी इस प्रदर्शन के अंदर सम्मिलित हैं और साथ ही साथ पुलिस बल भी जो है यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि धक्के मारकर जो है बसों में बिठाते हुए पुलिस प्रशासन के लोग जो है नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कांग्रेसी नेताओं को पुलिस वाले बस में भरकर ले जा रहे हैं, हिरासत में जो है ले लिया गया है। आज आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है और बड़ा प्रदर्शन आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से किया गया। विपक्ष की तरफ से आप देख सकते हैं कि नारेबाजी भी की जा रही है। विपक्ष की तरफ से बड़ा प्रदर्शन आज देख सकते हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ के बैनर जो है लेकर ये लोग जो है आज प्रदर्शन करने पहुंचे हैं डीसी ऑफिस के बाहर। मोदी हटाओ देश बचाओ, काम बचाओ करता है। आज हम स्टिकर लगाने के लिए आए थे, प्रशासन ने हमें नष्ट कर दिया है। लोकतंत्र तो देख सकते हैं आप लोग कि इन लोगों का क्या कहना है और किस तरीके से विपक्ष जो है अब सामने आया है और आप देख सकते हैं कि पुलिस बल यहां पर तैनात है और किस तरीके से जो है हिरासत में आज इन तमाम लोगों को ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं वोट्स न्यूज पर लाइव तस्वीरें मिरन सोलम के साथ, कैमरामैन परवीन के साथ, किस तरीके से आज मोदी हटाओ देश बचाओ के बैनर के तले एक बड़ा प्रदर्शन जो है किया जा रहा है कांग्रेसी नेताओं के द्वारा। आप देख सकते हैं कि भारी संख्याओं के अंदर तमाम नेताओं का आज मोदी हटाओ देश बचाओ प्रदर्शन जो है जारी है। फिलहाल आप डीसी ऑफिस के बाहर से तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर गेट को खुलवाने की भी कोशिश की गई है और ये जो पोस्टर है वो डीसी ऑफिस में लगाने की बात भी कही जा रही थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि पुलिस बल भारी संख्याओं के अंदर यहाँ पर तैनात है और साथ ही साथ इस प्रदर्शन को रोकने की भी कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि गेट के अंदर जो है नहीं जाने दिया जाएगा कांग्रेस के नेताओं को, पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कोशिश पूरी पूरी की जा रही है कि अंदर जाया जाए और डीसी ऑफिस के बाहर जो है ये पोस्टर्स जो है लगाए जाएं और इस प्रदर्शन को कामयाब किया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि कांग्रेसी नेताओं ने किस तरीके से आज प्रदर्शन किया है, ये बैनर्स जो है बाहर ही लगा दिए हैं डीसी ऑफिस के और तमाम कांग्रेसी नेता, चाहे यूथ की बात की जाए, चाहे कांग्रेस कमेटी की बात की जाए या फिर सेवा दल की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ा प्रदर्शन जो है आज विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। वोट्स न्यूज़ पर लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से मेरे अनुसरण के साथ कैमरामैन प्रवीण के साथ। इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।